हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी लेस डिज़ाइन में बना रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए, अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। लंबाई में आपको जितना भी लेना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रख रही हूँ 15 इंच। 14 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। 36 साइज का ये बैक पार्ट है, तो डीप नेक बना रही हूँ मैं इसमें। डीप नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर एंड आर्म होल लेंगे। तो शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल लिए हैं 1.25 इंच, शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 1.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनानी है। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। बाहर वाली लाइन से 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई देनी है हमें इस तरीके से। और मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसे कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। अब इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे। नेक विड्थ लेनी है हमें यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच। गले की टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ 10 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3 इंच। इस तरीके से हमने एक चौकोर बॉक्स यहाँ पर बना लेना है। इसके बाद मैं ड्रॉ करूँगी यहाँ पर पॉट शेप। तो हल्के हल्के हाथों से हमें यहाँ पर पॉट शेप बना लेना है। मटका गला ड्रॉ कर रही हूँ ये देखिए, और मैं इसे बिना पेपर पेस्टिंग के ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। नेक को अब हमने कट कर लेना है इस तरीके से। गले की कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को रखा है मैंने सीधा, और अस्तर वाले कपड़े को हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। अच्छे से यहाँ पर इसे बराबर करते हुए पिन के साथ अटैच कर देंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है। अब हमें एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए इसकी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने गले के पास से एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। पूरे ही नेक के ऊपर हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। कट लगाने के बाद अब अस्तर के कपड़े को हम इस तरफ करेंगे और एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद हमने गले को पलट के सीधा कर लेना है। अस्तर वाले कपड़े को इस तरफ कर देना है पूरा अंदर की तरफ, और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे। पहले आपको अच्छे से हाथों से कपड़े को फिनिशिंग दे देनी है इस तरीके से, और इसके बाद अब हम सिलाई लगाएंगे। तो जो अस्तर वाला कपड़ा है वो ब्लाउज़ की सीधी तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, उसे हम इस तरफ हाथों से इस तरफ करते जाएंगे और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बाहर की तरफ से कट करके अस्तर के बराबर कर लेंगे। ये देखिए, सारा ही कपड़ा मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। अच्छे से फिनिशिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब हमें यहाँ पर प्लेट्स लगानी है। तो कपड़े को सेंटर से कट करेंगे, एक छोटा कट लगाना है। सेंटर से बैक पार्ट को फोल्ड करते हुए
चार इंच की लंबाई में हमें प्लेट्स लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमने प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों तरफ प्लेट्स लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पट्टी को अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमें नीचे से कमर पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सिलाई फिनिशिंग की इस तरीके से लगा लेनी है। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं लेस के साथ इसकी डिज़ाइन बनाऊंगी, तो उसके लिए हमें मार्किंग कर लेना है। अच्छे से कपड़े को बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लेंगे और इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से गले का शेप बना लेंगे। यही शेप हमें दूसरी तरफ भी लेना है। अच्छे से हम इसे डार्क कर लेंगे ताकि इसे जब हम दूसरी तरफ लें तो यहाँ पर भी हमारी मार्किंग आ जाए। मार्किंग को दोनों तरफ से हमने डार्क कर लेना है अच्छे से, और इसके ऊपर लेस लगानी है। तो सबसे पहले हम नेक के ऊपर लेस अटैच करेंगे, फिर नीचे जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर लेस लगाएंगे। नेक पे लेस लगाने के बाद अब हमने जो नीचे ड्रॉ किया है वहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो नीचे की तरफ आपको लेस कुछ इस तरीके से लगानी है। जहाँ पर भी आप घुमा रहे हैं लेस को, वहाँ पर आपको एक प्लेट्स लगानी है और सुई को बीच में रखते हुए लेस को घुमाना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरीके से। और नीचे जो हमने वी शेप दिया है वहाँ पर आपको इस तरीके से एक लेस का पीस कट करके यहाँ पर इस तरीके से वी बना लेना है। उसके बाद आप इसे लेस के साथ कवर कर लें। तो अब हम वापस से लेस को कंटिन्यू कर लेंगे दूसरी तरफ से भी। ये देखिए इस तरीके से पूरे ही नेक पर हमने इसी तरीके से लेस लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं इस पे डोरी अटैच कर रही हूँ और नीचे की तरफ हम कुंदन अटैच कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।